हम विराट नगर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे आए नवरंगपुरा गांव से, जाटों की ढाणी है। तो यहाँ किस बिल में आसपास घर बने हुए हैं, एक रेट स्नैक या दो रेट स्नैक की सूचना मिली है। हमने इनको बहुत समझाया कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, इन सांपों से ज़्यादा ना डरें। रेट स्नैक है, रेट स्नैक डरावने नहीं होते, दिखने में डरावने हो सकते हैं लेकिन वैसे डरने लायक चीज़ें भी नहीं होती। फिर भी ये लोग अंधविश्वास के चलते बिल्कुल भी हमारी बात पे यकीन नहीं करते, और हम ये कह रहे थे कि हम इसे मार देंगे, तो हम इनके जान बचाने के लिए यहाँ पहुँच गए हैं। अभी हम बहुत जल्दी इन जीवों को यहाँ से निकालेंगे, हालांकि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अपनी जगह खुश हैं, लेकिन ग्रामीण एरियो में लोग सांपों को अक्सर जहरीला ही समझते हैं, एक ही भावना से देखते हैं कि वो जहरीले और ख़तरनाक होते हैं। अब हम क्या रेस करने के लिए हम आ गए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, और वीडियो अच्छा और हमारा काम और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद। पीछे रहता हूँ, पीछे पर यार यहां तो दिखा दी तो भाई तो दिखा हो गया तो हां जगह ही तो डर लगो पानी व्यवस्था होता है जल्दी जल्दी बंदा ज़्यादा पड़ेगा सब जाएगा तो सांस लेवाई जगह नहीं मिलेगी, बचाव करना निकल ही निकलेगा। अब क्या करेंगे, निकल बाबा मत करेंगे, कोई जाना बस क्या सही देखो देखो हाथ भी भाई हो। अरे यार भाई साहब आ दो देख लो, अरे गोल्डन कलर देखो ऐ मन बुलाते देखो हां सोना गहना बनवा लियो, बुलाओ यार खजाने से राम पिना दो जो साहब सब ना दो आई चाहू से मेरे मटको भर लिया। बड़े से रेट स्नैक का रेस्क्यू कर लिया है, जो काफी देर के बाद में निकालने का मौका दिया है। ये एक मादा रेट स्नैक है और इसके साथ एक और होगा जो नर होगा लगभग। ये काफी तंदुरुस्त और स्वस्थ है, इस मौसम में अक्सर ये सांप सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब तो साबुत और बढ़िया रह जाए, यहाँ को जुगाड़ से कट्टो मतलब कोई और कट्टो गिन मिनट कर बगा गिन मिनट कर काम करता है कौन खाए
मेहनत तो करे पर मजा आयो यार दो दिखे ना एक और दिखे अरे तोले लटरी चीटी हंस लगा मैं कुछ वीडियो में पकड़ ले रही था तन पकड़ी ना पकड़ेगी इसको हाथ भी पड़ जाएगा ठीक है दोस्तों, इस बड़े से रेटी स्नेक का भी इस दिन से रेस्क्यू किया। देख सकते हैं दोस्तों, हमने एक रेटी स्नेक का रेस्क्यू कर लिया है। अभी विराट नगर से करीब 20 किलोमीटर दूर से रेस्क्यू हुआ है, नवरंगपुरा गांव से थोड़ी दूर मेड़ के रास्ते पे। तभी इसको हमने सुरक्षित एक बिल से निकाला है। वो मकान के नज़दीकी बना हुआ एक बिल था। वो लोग इस सांप से डरे हुए थे, हालांकि ये सांप डरने लायक जीव नहीं है, लेकिन ग्रामीण एरिया में अक्सर अंधविश्वास इतना होता है कि जितना भी समझा लो। हमने उन्हें कहा भी था कि ये सांप डरावना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो लोग नहीं माने। उन्होंने कहा कि आप नहीं आओगे तो मुझे मार देंगे। तो हमने इस सांप का रेस्क्यू कर लिया और आप देख सकते हैं कितना मजबूत तंदुरुस्त ये सांप है। हम इसको रिलीज करने के लिए आए हैं। पिछले काफ़ी समय से इन जीवों को हम रेस्क्यू करके और रिलीज कर रहे हैं। तो इस खूबसूरत से सांप को इस खुले मैदान में छोड़ देंगे ताकि अपना बाकी का जीवन रेजिडेंसी एरिया से थोड़ा दूर ही बिताए। काफ़ी खूबसूरत ये सांप रेड स्नेक के नाम से कहलाता है। ये किसानों का मित्र है, लेकिन ग्रामीण एरिया में लगभग देखते ही इसे मार दिया जाता है। और ये करीब 8 फीट से प्लस की लंबाई है सांप की, और ये फुफकारने की आवाज़ भी कई बार निकालते हैं कोबरा की तरह। तो इसलिए सांप को यहीं रिलीज कर देंगे। काफ़ी खूबसूरत तंदुरुस्त सांप है। ठीक है दोस्तों, इस खूबसूरत से सांप को तंदुरुस्त सांप को यहीं पर रिलीज कर देंगे। चलो दोस्त चले जाओ, ताकि कमाल का ये सांप करीब 8 से 9 फीट लंबाई का ये सांप है, और ये काफ़ी तेज़ी के साथ निकल गया है। ग्रामीण एरिया में इसे घोड़ा पछाड़ के नाम से भी जानते हैं लोग, क्योंकि इसकी रफ्तार काफ़ी तेज़ होती है, इसलिए इसको घोड़ा पछाड़ भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा काम, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन बेजुबानों के लिए हम लगातार काम करते रहें। हम इसी तरीके से आगे भी काम करते रहें, इसके लिए हमारा पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। धन्यवाद।